हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आज 9 दिसंबर 2018 वार रविवार। यह करंट अफेयर्स आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, यूवी कंपटीशन चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट, रिक्रूट और नोटिस, क्वीज और हेल्प सेंटर के लिए यूवी कंपटीशन जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द सेकेंड लार्जेस्ट इबोला आउटब्रेक इंडस्ट्री हैज स्प्रेड टू ए मेजर सिटी इज ईस्टर्न कोंगो बिस्टेम्पो विद मोर देन 1 million रेजिडेंट इज नाउ रिपोर्टिंग केसेस ऑफ द डेडली एमोरेजिक फीवर। इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप कांगो के एक बड़े शहर बुटेम्बो में फैल गया है। 1 लाख से अधिक निवासियों द्वारा घातक हेमोराजिक बुखार के मामले की रिपोर्ट की गई है। नेक्स्ट, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज लॉन्चेज ए न्यू फ्रेमवर्क द यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्पैक्ट टू कॉम्बैट द स्कोर्च ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म एंड कोऑर्डिनेट एफर्ट अक्रॉस द पीस एंड सिक्योरिटी ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्टर्स। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संकट से निपटने और शांति और सुरक्षा, मानवीय मानवाधिकार और टिकाऊ विकास क्षेत्रों में प्रयासों को समन्वित करने के लिए यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्पैक्ट का एक नया ढांचा लॉन्च किया है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति। US President Donald Trump nominated State Department spokeswoman Heather Nauert as the US Ambassador to the United Nations. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के अमेरिकी राजदूत के रूप में राज्य विभाग की प्रवक्ता हीथर नौर्ट को नामांकित किया है। नेक्स्ट, डिफेंस न्यूज, रक्षा समाचार। द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज कंडक्टेड द रीजनल लेवल मरीन ऑयल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज टाइटल्ड क्लीन सी 2018 एट सी ऑफ पोर्ट ब्लेयर। भारतीय तट रक्षक ने पोर्ट ब्लेयर में समुद्र में क्लीन सी 2018 नामक क्षेत्रीय स्तर समुद्री तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट, स्टेट इन न्यूज, राज्यों में समाचार। द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन स्मार्ट इन 10,000 विलेजेस विद एन ऑब्जेक्टिव टू अचीव सस्टेनेबल फार्मिंग विद इन द नेक्स्ट 3 years। द प्रोजेक्ट स्मार्ट विल बी असिस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों में टिकाऊ खेती हासिल करने के उद्देश्य से 10,000 गाँवों में महाराष्ट्र कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। प्रोजेक्ट स्मार्ट को विश्व बैंक द्वारा सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स, किताबें लेखक। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू रिलीज्ड कॉम्पिलेशन ऑफ सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टाइटल्ड द रिपब्लिकन एथिक इन इंग्लिश एंड लोकतंत्र के स्वर इन हिंदी एट ए फंक्शन इन विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति
श्री एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक समारोह में हिंदी में द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर नामक राष्ट्रपति के चयनित भाषणों का संकलन जारी किया है। नेक्स्ट, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, रैंकिंग रिपोर्ट। द नंबर ऑफ पैटेंट्स ग्रांटेड बाई इंडिया सॉर्ट अप बाई 50% इन 2017, कीपिंग अप ए ट्रेंड ऑफ स्टेप इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द UN's वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो। संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के अनुसार भारत द्वारा दिए गए पैटेंट की संख्या 2017 में तेजी से वृद्धि की प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए 50% तक बढ़ी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018-19 पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, वुमेन आर पेड द मोस्ट अनइक्वली इन इंडिया कंपेयर टू मैन व्हेन इट कम्स टू आवरली वेजेज फॉर लेबर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा प्रकाशित ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018-2019 के अनुसार श्रम के लिए प्रति घंटा मजदूरी के संदर्भ में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को भारत में सबसे अधिक असमान रूप से भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीकी समाचार। चाइना लॉन्चेज द फर्स्ट एवर स्पेस क्राफ्ट चेंज फॉर दैट विल अटेम्प्ट लैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून विच एलवेज शोज द सेम फेस टू अर्थ एज इट्स क्लोज एनफ टू बी लॉक्ड बाय द प्लेनेट ग्रेविटेशनल फील्ड। चीन ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान चांगई 4 लॉन्च किया है जो चंद्रमा के बहुत दूरस्थ स्थान पर लैंडिंग का प्रयास करेगा। इसका हमेशा पृथ्वी पर एक ही पक्ष दिखाई देता है क्योंकि यह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा बंद होने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट एंड लास्ट, मिसलेनियस विविध। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO काउंसिल हैज अप्रूव्ड इंडियाज प्रपोजल टू ऑब्जर्व एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स इन 2023। एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह स्टेट दैट द 160th सेशन ऑफ द FAO काउंसिल इन रोम अप्रूवल द प्रपोजल। खाद्य और कृषि संगठन FAO परिषद ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि रोम में FAO परिषद के 108वें सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं लाइक करें और साथ ही UV कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।